हमने अभी देखा कि वो जो रीनल आर्टरी है वो डिवाइड होके बहुत सारी कैपिलरीज बना रहा है और वो कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होगा. लेट अस सी व्हाट योर टेक्स्ट बुक सेज. सो ईच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड इन द कप शेप्ड एंड. तो ये कप शेप्ड क्या है, वो बाउमेंस कैप्सूल है. अब वहां पे क्या होगा, द फिल्ट्रेट विल बी कलेक्टेड. थोड़ा सा अगर इसको मैं मैग्निफाई करके बताऊं तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे आपका फिल्ट्रेट, यहाँ पे आपकी कैपिलरीज है, तो वो फिल्ट्रेट है ना वो ऐसे इकट्ठा होके यहाँ चला जाता है कप की लाइनिंग के अंदर, और वहां से कहाँ जाता है, वहां से जाता है ट्यूब्यूल में. देखो दिस इज डिस्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दिस इज हेनलेज लूप एंड दिस इज डिस्टल ट्यूब्यूल. सो वेयर आर द थिंग्स मूविंग, पहले वो बाउमेंस कैप्सूल में गया ब्लड, बाउमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट कलेक्ट हुआ. किसने कलेक्ट किया फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन कैसे हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ नेफ्रॉन में विच आर पैक्ड क्लोज टुगेदर. अब जब फिल्ट्रेट बना, जो पहला फिल्ट्रेट बना, इनिशियल फिल्ट्रेट मतलब ये वाला फिल्ट्रेट जो यहाँ पे आया, उसमें बहुत सारी काम की चीजें हैं जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ वाटर. बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए वाटर, तो इसको कंजर्व करेंगे, इसको वेस्ट नहीं होने देंगे. तो ये सारी चीजें दे आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब. सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब का मतलब समझ रहे हो, वो जो फिल्ट्रेट यहाँ आया ना उसमें तो बहुत सारी चीजें थी, यूरिया भी था, टॉक्सिक मटेरियल भी था, उसको छोड़ दिया, उसको रीअब्सॉर्ब नहीं किया. रीअब्सॉर्ब क्या किया, ओनली ग्लूकोस. मैम जो मतलब यूजफुल प्रोडक्ट है अपने पास रख लिया और टॉक्सिक वेस्ट को मतलब फेंक दिया। करेक्ट करेक्ट. तो ग्लूकोस, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स को और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन, जो कि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन है. अब बाकी का जो यूरिन बना, जिसमें बेकार की चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, इट विल फ्लो अलोंग द ट्यूब. कौन सी ट्यूब की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाली ट्यूब की बात हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्यूब. तो जो फालतू की चीजें हैं वो ट्यूब में आगे 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 बढ़ती जाएंगी, और नहीं, जो येलो वाली ना। हाँ जो काम की चीजें हैं वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी. अब ये भी समझो कि रीअब्सॉर्ब कहाँ हो रही है. देखो यहाँ आसपास कैपिलरीज है, कैन यू सी दिस कैपिलरीज. हाँ तो एक्चुअली वो जो फिल्ट्रेट है ना, उसमें से चीजें वापस ये कैपिलरीज के ब्लड में जा रही है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्यूब्यूल है ना, उसके आसपास बहुत सारी कैपिलरीज है, ताकि आराम से चीजें फिल्ट्रेट में से ब्लड में जा सके. दिस इज नोन एज रीअब्सॉर्प्शन. समझ आया? हाँ मैम ओके. अब कितना रीअब्सॉर्प्शन हुआ है, मैंने आपको बोला कि वाटर रीअब्सॉर्ब होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड्स अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी. अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो, अगर बारिश का मौसम है, अगर सर्दियों का मौसम है, कि जहां पे आप बहुत ज्यादा वाटर लॉस नहीं कर रहे हो, आपको पसीना कम आ रहा है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी कम है, तो अगर आपकी बॉडी में इनफ वाटर है तो बाकी का एक्स्ट्रा वाटर एक्सक्रीट हो जाएगा. इसका मतलब है कि जब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, दैट इज इन मॉनसून, रेनी सीजन में और विंटर सीजन में, रीएब्जॉर्प्शन कम होगा. और क्योंकि हाँ, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन, मिट्टी कम होती है। हाँ क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, इसलिए आपका यूरिन आउटपुट ज्यादा होता है, आप ज्यादा बार सुसु जाते हो. कब ज्यादा बार सुसु जाते हो, मॉनसून में और विंटर में. क्यों, क्योंकि इनफ वाटर है आपकी बॉडी के पास, तो रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. तो जितना वाटर यहाँ फिल्ट्रेट में आया था, मोस्टली वो सारा बॉडी बोल देगी जाने दो इसको बाहर, इसको संभालने की जरूरत नहीं है. लेकिन समर्स में जहां ऑलरेडी आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, वहां पे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ जाएगा और आपकी यूरिन जाने की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. मैम समर सीजन में हम तो पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, हाँ लेकिन अगर और सपोज मॉनसून में तो इतना। अगर सपोज समर सीजन
और विंटर सीजन को हम कंपेयर कर रहे हैं. समर में आपने 3 glasses ऑफ वाटर पिया, मे बी आप 1 glass ऑफ यूरिन ही एक्सक्रीट कर रहे हो, लेकिन अगर विंटर में आपने 3 glass वाटर पिया तो आप 2.5 glass यूरिन एक्सक्रीट कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन कम हो रहा है विंटर एज वेल एज मॉनसून. मैम पर अगर हम लोग विंटर में अगर 1 glass पियेंगे तो उतना ज्यादा, जितना कम पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिन होगा. द आइडिया इज के जो एक्स्ट्रा वाटर है, बॉडी को जितना चाहिए उतना बॉडी कंजर्व कर लेगी, बाकी का एक्स्ट्रा वाटर यूरिन में से निकल जाएगा. पर आपको हर मौसम में यू शुड हैव लॉट्स ऑफ वाटर. क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा यूरिनेशन होगा और उतना ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन होगा. बोलते हैं ना बहुत सारा पानी पीना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए. क्यों पीना चाहिए? बिकॉज उतना ज्यादा आपकी बॉडी साफ हो जाता है. क्या हो जाता है? पेट साफ हो जाता है. पेट साफ नहीं हो जाता है, ब्लड साफ हो जाता है. पेट साफ करने के लिए आपको इजेशन करना पड़ेगा. फर्क समझो इजेशन और एक्सक्रीशन में से. हाँ, ये भी है कि वेन यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ वाटर तो आपका जो इजेशन है वो भी सही सलामत रहेगा. पानी नहीं पियोगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, तो इजेशन में भी तकलीफ आएगी. तो हर हाल में आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए. ओके, सो कमिंग बैक टू द कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? सॉरी, कॉन्स्टिपेशन इज, देखो जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था तब आपको बताया था कि अगर आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल इस तरह की है कि वहां पे वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है. अब समझो आपने आज खाया और कल सुबह आप छिछी नहीं गए, यू डिड नॉट डिफिकेट इन द मॉर्निंग टुमारो, तो वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था वो पड़ा रहा लार्ज इंटेस्टाइन में. अब उसमें से वाटर रीअब्सॉर्प्शन होता रहा होता रहा होता रहा, तो ये कैसा हो गया? आपका फीकल मैटर ड्राई हो गया. जितना ज्यादा वो ड्राई होगा उतना ज्यादा इजेशन में तकलीफ होगी. तो जब आप 2-3 दिनों तक इजेशन कर ही नहीं रहे हो उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं. ओके, नाउ कमिंग बैक टू एक्सक्रीशन. तो हमने कहां तक पढ़ा था कि जो वाटर है वो सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है. अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड विल डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन योर बॉडी. क्योंकि जो डिसॉल्व्ड वेस्ट है उसको, मतलब वेस्ट को डिसॉल्व करने के बाद और कितना पानी एक्स्ट्रा बचा उसको बॉडी एक्सक्रीट कर देगी. अब ये जो यूरिन बना है, वी हैव 2 kidneys, इन ईच किडनी यूरिन फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस. तो अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जाएगा यूरेटर में, और यूरेटर इसको कहाँ लेके जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करके रखेगा. ठीक है, वो कैसा होता है? इलास्टिक होता है, बलून जैसा होता है. उसमें यूरिन कलेक्ट होता जाएगा होता जाएगा. अब जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा, सो इट विल स्टोर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपांडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पासेस आउट थ्रू द यूरेथ्रा. इसका मतलब क्या है? सपोज ये आपकी फुल कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की. नाउ द यूरिन इज फिल्ड टू द फुल कैपेसिटी. इसकी कैपेसिटी अगर 5 liters की थी और 5 liter यूरिन इसमें इकट्ठा हो गया है, तो ये इतना प्रेशर डालेगा वॉल पे कि आपको लगेगा अब तो जाना ही पड़ेगा. नाउ आई नीड टू गो टू द वॉशरूम. सो देन यू विल फील द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू यूरेथ्रा. ओपनिंग क्या है? ओपनिंग इज यूरेथ्रा. समझ में आ गया ये? अच्छा, ये जो ब्लैडर है ये मस्क्यूलर है, तभी तो वो डिस्टेंसिबल है ना, फ्लेक्सिबल है, उसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है. ये मसल्स का कंट्रोल कहाँ है? द मसल्स आर अंडर नर्वस कंट्रोल. तो आप थोड़ी देर तक तो ये जो अर्ज टू यूरिनेट है इसको कंट्रोल कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि अभी मुझे सुसु आई तो अभी के अभी ही जाना पड़ेगा. आई कैन होल्ड इट फॉर अ वाइल, डिपेंड्स ऑन माई टॉयलेट ट्रेनिंग. सो यू कैन एक्चुअली होल्ड इट फॉर फ्यू मिनट्स. अब एक बात और ध्यान रखना कि जो बर्ड्स होती है ना उसमें यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है बर्ड्स में यूरिनरी ब्लैडर? क्योंकि उनको अपना वेट रिड्यूस करना है. क्यों वेट रिड्यूस करना है? क्योंकि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है. मैम उनको उड़ना है. दे हैव टू फ्लाई. सो सिंस दे हैव टू फ्लाई, उनका वेट कम होना चाहिए. वेट कम करने के चक्कर में इवोल्यूशन ऐसा हुआ दैट दे डू नॉट हैव यूरिनरी ब्लैडर. ने तो सॉरी है ब्लैडर ने तो बस कंट्रोल नहीं रहेगा ना होल्ड करने का. उनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नाम की चीज ही नहीं होती है, तो वो कंटिन्यूअसली एक्सक्रीट करते रहते हैं. उड़ते उड़ते भी वो एक्सक्रीट करते रहते हैं. सो दैट इज व्हाई देयर प्रोसेस इज कंटिन्यूअस. सो अच्छा मूवी में देखा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया? वो साउथ इंडियन मूवी थी, मैं देखा था. ठीक है, फिर साउथ इंडियन मूवी में तो कुछ भी हो सकता है, सारा बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री एक साइड रह जाता है, उसमें मजाक. ओके, एनीवेज आप ये याद रख लेना कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं. यहाँ पे बताया नहीं है बट ये थोड़ा बेसिक है, याद रख लेना इसको. पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा स्टेप है सिक्रीशन. ओके, ये 3 स्टेप्स के बाद यूरिन कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है और वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है. अच्छा, अगर किसी की किडनी खराब हो गई है तो क्या करेंगे? तो उसका हीमोडायलिसिस करेंगे. क्या करेंगे? हीमोडायलिसिस. हीमो इज ब्लड, डायलिसिस इज फिल्टरिंग. सो किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, उसके बिना काम नहीं चल सकता है आपका. पर कभी कभी किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर हो जाता है, इंजरी हो जाती है, कभी कभी किडनी तक बहुत दिनों तक ब्लड नहीं पहुंचा, तो आपकी किडनी की एक्टिविटी कम हो जाएगी. इट विल रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ किडनी. अच्छा, जब भी आप बीमार होते हैं, चाहे कोई सी भी बीमारी हो, आपको टाइफॉइड है, डेंगू है, मलेरिया है, वॉट एवर इट इज, बेसिकली जब डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या पूछता है आपको? यूरिन कितना हुआ. इफ योर यूरिन है स्टॉप्ड, मतलब आपकी बीमारी भयंकर है. तो ये ध्यान रखना है कि यूरिन फॉर्मेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए. अब आपने सुना डॉक्टर्स बोलते हैं कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. डेंगू होता है तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं डॉक्टर? पानी पियो, जूसेस पियो, मूंग खाओ. सो यू हैव टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वो ये जानने के लिए कि भाई आपकी किडनी बराबर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है. तो किडनीज को हेल्दी रखने के लिए कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, पानी तो पीना ही है, साथ में ऐसी चीजें कंज्यूम करनी है जिनका वाटर कंटेंट ज्यादा है, जैसे कि फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके, अब अगर आपकी किडनी किसी भी वजह से काम नहीं कर रही है, वेदर इट इज इंजरी और इन्फेक्शन और कैंसर और वॉट एवर इट इज, तो क्या होगा? तो टॉक्सिक चीजें आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहेगी, पॉइजनस वेस्ट इकट्ठा होता जाएगा, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है. तो हम क्या करेंगे? हम आर्टिफिशियल किडनी यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे? सो इट इज बेसिकली अ डिवाइस विच विल रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड. और ये पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं. अब ये डायलिसिस में होता क्या है? देखो, बहुत सारी ट्यूब्स हैं, यहाँ पे दिख रही है बहुत सारी ट्यूब्स आपको, नॉट दिस कलर, ये बहुत सारी ट्यूब्स यहाँ पे दिख रही है आपको. ये जो ट्यूब्स है ये किसकी बनी हुई है? द ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सेमी परमिएबल लाइनिंग. सेमी परमिएबल लाइनिंग मतलब वो कुछ चीजों को पास होने देगी और कुछ चीजों को पास नहीं होने देगी. अब ये सेमी परमिएबल लाइनिंग के आसपास क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड है. ये जो येलो कलर का है ना, दिस इज डायलाइजिंग फ्लूइड. अब ये डायलाइजिंग फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम एज द ब्लड. इसका मतलब क्या हुआ? जो कंटेंट, जो कंपोजिशन ब्लड में है, वही कंपोजिशन डायलाइजिंग फ्लूइड में है. खाली एक फर्क है. क्या फर्क है? ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट है, डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, तो बॉडी के ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ जाएगा? डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जाएगा.
वही चीज, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आ रही है बात? हाँ। ये आप डायलिसिस के लिए क्या करते हैं, आपका एक वेन पंचर करते हैं, तो यहाँ पे नॉट वेन सॉरी आर्टरी, एक आर्टरी पंचर करेंगे और उसमें नीडल डाल के आपका जो ब्लड है वो यहां से निकालेंगे। अब ब्लड जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में, तो ब्लड में तो यूरिया है पर डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, तो यूरिया ब्लड में से निकल के बाहर चला जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड में। वो डायलाइजिंग फ्लूइड हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया। अब कंटिन्यूअसली ये डायलाइजिंग फ्लूइड को हमको सर्क्युलेट करना है, क्योंकि जो गंदा यूरिया वाला डायलाइजिंग फ्लूइड था उसको कंटिन्यूअसली निकालना है, और जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जिसमें यूरिया नहीं था उसको कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम पंप करेंगे। इसके अलावा जो ब्लड है, अब ये वाला जो ब्लड है ना इसमें से यूरिया निकल चुका है, तो ये ब्लड को वापस बॉडी में डाल देंगे। कैसे डालेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ वेन। समझ में आ रहा है ये? हाँ। ओके, सो ये जो किडनी है इट विल रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। एनीथिंग दैट आई हैव नॉट टॉट यू। तो इसका फंक्शन यूरिन किडनी जैसा ही है, डायलाइजिंग फ्लूइड का फंक्शन, खाली एक ही चीज है कि यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा है, जो निकल गया वो निकल गया, वापस ब्लड में नहीं जाएगा वो, इसीलिए हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें से सिर्फ यूरिया ही निकले और कुछ भी ना निकले। ओके, नाउ द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड कि यूरिन कितना फिल्टर कर लेती है। सो नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट जो पहला फिल्ट्रेट निकलता है बाउमेंस कैप्सूल से, जो फिल्टर होके पहली बार आया, वो कितना है? 180 liters। समझ रहे हो 180 liters कितना होता है? इतना तो ब्लड भी नहीं है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ब्लड है 5 liters। तो ये जो 180 liter फिल्ट्रेट निकल के आया है, ये पूरा का पूरा यूरिन नहीं बनेगा, इसमें से मैक्सिमम चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाएगी, और आपका यूरिन आउटपुट दिन का होता है नॉट मोर देन 2 liters। तो 180 में से 178 liter तो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, और 2 to 2.5 liter आप बाहर निकाल दोगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। क्यों? क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, वो रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ। एक बहुत छोटू सा टॉपिक बाकी है, कर लेते हैं। अब ये तो आपने बताया कि एनिमल्स में, ह्यूमन में क्या हो रहा है, प्लांट में भी तो वेस्ट जनरेट होता होगा ना, तो प्लांट के वेस्ट का क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट जनरेट होता है वो है ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस के वक्त जनरेट होता है, वो बाहर निकल जाएगा स्टोमेटा से। इज माय वॉइस क्लियर चिल्ड्रन? हमें आपने पहले ही पढ़ाया था, मतलब था ना वो पहले ट्रांसपोर्टेशन वाला समझाया था। ओके ओके ओके, एक मिनट। तो ऑक्सीजन जो बनी है फोटोसिंथेसिस के वक्त, इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द प्लांट, वो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकल जाएगा? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड तो उसके काम की चीज है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। और क्या वेस्ट प्रोडक्ट है? एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये जो एक्सेस ऑफ वाटर है ये कैसे बाहर जाएगा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के लिए अगेन व्हाट डू दे हैव? दे हैव स्टोमेटा। अच्छा, अब और भी कुछ वेस्ट है, वो वेस्ट कहाँ इकट्ठा होगा? वो वेस्ट इकट्ठा होगा डेड सेल्स में। हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लांट में बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं, तो जो वेस्ट है वो डेड सेल्स में इकट्ठा होता जाएगा। समझो वो सारे डेड सेल्स लीफ में थे, तो जिस लीफ में वो डेड सेल इकट्ठे हुए थे, थोड़े दिन बाद वो लीफ गिर जाएगा, प्लांट से डिटैच हो जाएगा, तो उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट भी चले गए। इसके अलावा वेस्ट स्टोर होता है वैक्यूल्स में। अगर आपको याद हो द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल,
जो प्लांट सेल होता है ना उसमें बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है विच विल स्टोर ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वहां से भी इट कैन गेट रिड ऑफ. अब वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या क्या होता है, प्लांट के कुछ वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रेजिन एंड गम. सुना है आपने इनके बारे में, रेजिन्स एंड गम? गम तो आपने सुना होगा, बबूल का गम होता है, नीम का गम होता है, वो जो बबूल में से गम निकलता है ना वो एडिबल है, उसको खाते हैं हम, और जो नीम में से गम निकलता है उसका अडेसिव बनता है. तो ये सारी जो चीजें हैं, देखो ये स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जाम के लिए, द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज रेजिन्स एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम. कहाँ स्टोर होता है? ओल्ड जाइलम में स्टोर होता है. इसीलिए जैसे जैसे ट्री बुढ़ा होता जाता है, मेच्योर होता जाता है, उसका जो ट्रंक है ना उसका जाइलम एकदम डार्क कलर्ड का होता जाता है, तो वो वहां पे रहेगा. और कुछ चीजें हैं जो सॉइल में डायरेक्टली रिलीज हो जाएगी. तो प्लांट ने एक्सक्रीशन कैसे किया, देखो हाउ मेनी वेज आर देयर. ऑक्सीजन जो है वो स्टोमेटा से बाहर गया, एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपीरेशन से बाहर गया, बाकी चीजें लीव से बाहर गई, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जो वैक्यूल से बाहर गए, रेजिन मैम गम्स जाइलम में स्टोर हो गए, जस्ट अ मिनट, और बाकी चीजें डायरेक्टली सॉइल में चली गई. हाँ अब बताइए. मैं पूछ रहा था, तो मैम वो वाटर है वो भी तो स्टोमेटा से ही बाहर गया ना। हाँ वो स्टोमेटा से बाहर गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सक्रीशन. कोई डाउट इसमें? नो मैम, ये वाला जो थिंक इट ओवर है एक बार पढ़ लेना, जनरली तो नहीं पूछते हैं पर फिर भी एक बार पढ़ लेना कि कौन सी चीजें डोनेट की जा सकती है. मोस्टली किडनी, हार्ट, आई का कॉर्निया, लिवर, पैंक्रियाज, लंग, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, सब कुछ डोनेट कर सकते हैं आप, लेकिन इट हैज टू बी डन इमिजिएटली आफ्टर द डोनर हैज डाइड. आईज के लिए हम थोड़ा सा शायद वेट कर सकते हैं, बट अदरवाइज द ऑर्गन डोनेशन हैज टू बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल. इसलिए आपको ये काम करना है कि आपको अपना ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म 40 साल की उम्र में ही भर लेना है कि भाई जब भी मरूं, जहां भी मरूं, आई वॉन्ट टू डोनेट ऑल माई ऑर्गन्स, प्लीज डू दैट. ओके,